तो हेलो गाइस, मो आपका होस्ट और दोस्त टेक्निकल गेमिंग का सीखा फिर से वेलकम है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हम अपने इंडियन रेलवे ट्रेन सिमुलेटर 2022 गेम के बारे में। ये गेम कब रिलीज होने वाला है प्ले स्टोर पर, इस गेम से रिलेटेड मेरे भाई बहुत ही ज़्यादा कमेंट करके रखें कि टेक्निकल गेमिंग भाई इस गेम के बारे में एक वीडियो बनाओ, ये गेम कब रिलीज होने वाला है प्ले स्टोर पर, फाइनली डेट बताओ, ठीक है। तो उसके अलावा दोस्तों, जो मेरे भाई कमेंट और एक और करके रखे हैं इस गेम से रिलेटेड, वो है इस गेम में जो रैम की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, उसके बारे में भी बताओ। तो भाई आज मैं आपको दोनों जो पॉइंट हैं आपके वो मैं क्लियर करने वाला हूँ, कब ये गेम रिलीज होने वाला है प्ले स्टोर पर, फाइनली डेट क्या है और इसकी कितनी GB की रैम की रिक्वायरमेंट चाहिए आपके फ़ोन में इस गेम को प्ले करने के लिए। तो भाई इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजबल होने वाली है। तो अपनी इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है, जो भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और जिन भाइयों ने हमारा चैनल पहली बार देखा है उन सभी से रिक्वेस्ट और है मेरी, सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर लेना और आपको पड़ोस में बेल का आइकन और दिख रहा होगा, ताकि हम ट्रेन गेम प्ले से रिलेटेड और ट्रेन गेम अपडेट से रिलेटेड जो भी वीडियो आपके लिए अपलोड करें तो आप तक सीधी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो अपनी इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए पहले हम बात कर लेते हैं ये गेम कब रिलीज होने वाला है प्ले स्टोर पर। तो ओके दोस्तों, उसके बारे में आपको मैं यहाँ पर बता दूँ, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है और इस वीडियो में मैं आपको बता दूँ दोस्तों, अगस्त के महीने में 10 से 12 तारीख में आपको मैंने बताया, ठीक है, ये गेम रिलीज हो जाएगा प्ले स्टोर पर, ठीक है। आज कितनी तारीख है दोस्तों, ऑलरेडी 3 तारीख हो चुकी है, 7-8 दिन और लगेंगे इस गेम को रिलीज होने में, ठीक है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, ठीक है। रिलीज डेट का आपका डाउट है वो क्लियर हो चुका होगा। अब इसमें जो रैम का रिक्वायरमेंट के मेरे भाई बोल रखेंगे भाई टेक्निकल गेमिंग भाई रैम की रिक्वायरमेंट के बारे में बताओ, तो उसके बारे में आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ, उसके बारे में आपको यहाँ पर सुनना पड़ेगा। तो ओके दोस्तों, उसके बारे में आपको मैं बता दूं, रैम की रिक्वायरमेंट दोस्तों 8 GB तक में ये गेम प्ले कर लिया गया, ठीक है। 2 GB रैम में गेम प्ले कर लिया, ठीक है, 3 GB रैम में भी प्ले कर लिया, 4 GB रैम में भी प्ले कर लिया और 8 GB रैम में भी प्ले कर लिया, ठीक है। और रहा आपका 1 GB रैम, दोस्तों 1 GB रैम में भी ये गेम मतलब कि चल जाएगा, ठीक है दोस्तों, ऐसा कंपनी वालों ने बोला, ठीक है आपको मैं यहाँ पर बता दूँ, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आपके जो दोनों पॉइंट हैं वो क्लियर हो चुके होंगे और आपके जो भी डाउट है इस गेम से रिलेटेड वो क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है। अगर आपका फिर भी कोई डाउट हो इस गेम से रिलेटेड जो इस वीडियो में नहीं बता पाया हूँ, और हाँ दोस्तों एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, इसमें आपको स्टार्टिंग में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, जैसे कि गुड़गांव का स्टेशन, अजमेर का जो जंक्शन है वो आपको देखने को मिल रहा है। तो भाई गेम कमरे वालों ने बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनाया है, जैसे ही गेम आएगा फाइनली प्ले स्टोर पर तो मैं आपको वीडियो के जरिए बताऊँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा दोस्तों, जैसे ही आएगा तो मैं आपको फाइनली वीडियो के जरिए बताऊंगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक दोस्तों टेक केयर, बाय बाय दोस्तों, वंदे मातरम।